नेशनल हाईवे स्थित स्टड्स कंपनी के कर्मचारी की मौत के मामले में आज सैकड़ों लोगों ने कंपनी के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया और हंगामा किया। मौके पर मौजूद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और लोगों ने आरोप लगाया कि स्टार कंपनी के कर्मचारी ने उनके बेटे को इतना मारा कि उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर आ गया और शरीर में भी कई जगह चोट के निशान हैं। परिजनों का आरोप है कि इस घटना को पुलिस साधारण घटना देख रही है जबकि ये हत्या है। मौके पर होते हंगामे को देख भारी पुलिस बल मौके पर आ गया और पुलिस ने परिजनों को शांत करने का काफी प्रयास किया। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि उनकी अब कार्रवाई होगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। वहीं मृतक की पत्नी की माने तो कंपनी के HR में रवि नाम के अधिकारी ने 21 तारीख को उसके पति को सरियों से पिटवाया। उसके बाद पीड़ित मनोज को परिजन अलीगढ़ ले गए जहां इलाज के दौरान कल रात को उसने दम तोड़ दिया। ये कंपनी का हमारा भतीजा है, ये नौकरी करता था यहाँ, उसके साथ में मारपीट हुई है कंपनी में अंदर। कंपनी से उसे एम्बुलेंस लेके गई है और किसी उसी में लंच वगैरह जूते वगैरह कंपनी में ही है। हाँ, अब ये नहीं तो हम तो पता नहीं, हम तो गांव में थे। अब जो तो बंदा है उसी को पता है किसने मारपीट की। मनोज कुमार स्टेट कंपनी है, यही कंपनी है जो खड़े हैं उसके सामने। बिल्कुल डेथ है, वो तो खत्म हो गए। हाँ, खत्म हो गए। दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। ये बच्चे देखो, अब कंपनी वाले तो अपने पल्ले जा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी तो कोई एक्शन नहीं ले रहे कंपनी वाले। यहाँ पर जो नए सुपरवाइजर ने कंपनी के लिए बुलाए, वो लड़का छुटपाना तो जी भर्ती कर ले, वहाँ नहीं गई है कि तू मेरे बदले क्यों लग गया। जिन्हें कही मैं तो सुपरवाइजर ने बुलाऊं कि तू कंपनी छोड़ दे, मैं लग लूं। क्या नाम है मरने वाले का और कहाँ के रहने वाले हो? मनोज। मनोज कहाँ के रहने वाले हो? बाद मामनी बड़े गांव के पास। कौन सी कंपनी में काम करता था? हरियाणा पुलिस के ACP विष्णु प्रसाद की माने तो मनोज अलीगढ़ का रहने वाला था और वो इस कंपनी में काम करता था। पुलिस अभी जांच कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अभी सुबह सूचना मिली थी कि इसका एक कर्मचारी है जो अलीगढ़ इलाज चल रहा था वहाँ गुजर गया, उसकी डेड बॉडी को वारिसान लेकर यहाँ आए हैं। अब इन्होंने शक जाहिर किया कि हमारे बच्चे की चोटें मारी हैं। अब जिस जिसका ये नाम लिखवाएंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार करेंगे और इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। मृतक के हाथ और पैर दोनों में फ्रैक्चर है और कह रहे हैं कंपनी वालों ने सरियों से हाथ पैर तोड़े हैं। नहीं, ऐसा अभी तक हमारे संज्ञान में कंपनी से संबंध नहीं आई। इन्हीं के साथियों ने बताया कि झगड़ा कंपनी के बाहर हुआ था। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हम इसका पर्चा दर्ज करेंगे और जो आरोपी ने गिरफ्तार किया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।